नंबर या 07-662-35-24-51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश मान 2023 के विधानसभा चुनाव के चुनावी महादंगल के पूरा जो कहा जाए या चुनावी प्रचार के बिल्कुल कहा जाए धौका धौक माहौल तैयार हो गया है और यह माहौल अब जो है पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े दौरा खातिर हो रहा है और जैसा कि अपना पचे देख रहे हैं चारों का जो इंतजाम है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा खातिर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी हैं और देव कुमार सिंह जी से हम जाने के प्रयास करें कि आखिरकार का कुछ तैयारी है का कुछ कार्यक्रम के रूपरेखा ही कै बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन हुई और का कुछ कार्यक्रम हुई उसके बारे में जाने के प्रयास करी थे। अध्यक्ष जी कै बजे का कुछ कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन कब होने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 1 बजे हो रहा है दोपहर और लगभग 1 लाख जनता जनार्दन यहाँ आने का लक्ष्य है हम लोग बनाए हुए उससे ऊपर हो सकता है। तैयारी के लगातार अपना पचे जायजा कह रहे हैं कर्ता बूथ स्तर तक के लगे हुए हैं। सब लगे ये बताइए विधानसभा के प्रत्याशी के जो है आशीर्वाद मांगे के जैसा भी अपना बात बताएं कौन कौन विधानसभा के प्रत्याशी या मंच में मौजूद रहे। 8 विधानसभा के सीधी सिगरौली अच्छा और एक व्यवहारी सीधी सिगरौली और व्यवहारी के प्रत्याशी थे मंच में मौजूद रहे। ये बताइए लगभग कुर्सी की कितनी कुर्सी लगाई गई है हम अपना से जानकारी चाहिए। कुर्सी हम 70-80 हज़ार लगा लिया नहीं अभी लगने वाली है मतलब आ ही चुकी है। चलिए तो मतलब व्यवस्था का लगातार अपना देख रहे हैं दुरुस्त करे के तैयारी पूरी टीम है अकेले मैं नहीं देख रहा हूँ हर काम पर एक टीम बनी हुई है। कोई अतिथि की सेवा के लिए लगा है कोई टेंट व्यवस्था देख रहा है कोई मंच व्यवस्था देख रहा है कोई साउंड व्यवस्था देख रहा है अलग अलग सब टीम लगी है। तो मतलब अब ये बताइए कि जैसा अभी कुछ लोगों के कहा रहा निर्दलीय प्रत्याशी है सीधी में वो कहा लगे हमारे डेर से जो है मोदी आ रहे हैं सीधी हो गया कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को इतना जाए रहना। चलिए तो कितना उत्साहित है निया उत्साहित है हम सीधी की चारों सीट जीत रहे हैं आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं हम बार बार रिकॉर्डो कह रहे हैं बस वही कह रहे तो हम बोले हैं ना हम पीछा ना छोड़ेंगे सनम वाले लोग आए। हाँ जी 30 दिसंबर को फिर हम बोले हैं कि आपसे मिलेंगे। नहीं तो अब ये बताइए जैसा कांग्रेस अभी बेबीआरओ के दौर लगाए रही है कि हमारे लगे तब स्थानीय नेता हैं जो हमारा प्रचार प्रसार कह रहे हैं अजय सिंह राहुल के बात कह रहे हैं कमलेश्वर पटेल के बात कह रहे हैं अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारे दे लाए तो कहा डराए रहे कांग्रेस से या कहा आया। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं आ रहे हैं इसके पहले भी आए थे दूसरी बार आ रहे हैं तो यह माना जाए कि गुडला का ही कहे कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव रहा अजय सिंह राहुल नहीं हम नहीं बोले लगा हम यह अंदाजा लगाई ला है कि अपना यह सोच ला है जब मोदी आ जाते तो वह सीट हम जीत जाए थे। हमारे यहाँ की जनता जनार्दन की मांग थी माननीय मोदी जी आए हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री यह सर्वे कराए ना पूरा कार्यकर्ता जनता जनार्दन हाँ सर भी एक तरह से जिस क्षेत्र में जाते हैं तो प्रत्याशियों से भी बात किए और सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता तो कई नेताओं के नाम लिखे हुए हैं उसमें प्रथम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी कल आई गए थे 3 जगह गए 3 विधानसभा और कई नेता जहाँ जहाँ फग्गन सिंह जी आ चुके माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आ चुके फग्गन सिंह कुलस्ते जी आ चुके तो ये माना जाए कि मतलब अपना का लागत है कि गुडला का ही मोदी जी सीधी आ जाए ही था सीधी जीत जाब हम ये अपना मानी थे बिल्कुल जीत जाब मोदी जी के आए से जीत जाब अब मोदी जी काम करी नहीं काम के बल पर जीत जाब की आए से जीत जाब बल पर आयोग के बल पर दोनों। चलिए तो निश्चित तौर पर अभी अपना पचन के लगे बहुत जिम्मेदारी है काम है कहे की यह वह चुनावी दौर है जो उन्हें दौर मा कांग्रेस और भाजपा अपन हर ताकत झोंके चाहती तन मन धन सब कुछ लगावे का हर पार्टी तैयार ही सिर्फ सत्ता खातिर और सत्ता में भाजपा दावा कह रही है कि हम सत्ता में हूँ तो कांग्रेस
कह रही है कि हम इनका सत्ता से उखाड़ के फेंकब। हालांकि हम कितना का कुछ हो पाई वह ताबे वाला वक्त बताई, लेकिन अपना तैयारी देख सकी थे कि चारों ओर जो है वह सब इंतजाम कह दिए गए हैं कि कितनी कुर्सी लागी, कितना टेंट लागी, कितना पंडाल लागी। कहे कि ये थे लगभग 70,000 कुर्सी के बाद जो है जिला अध्यक्ष के द्वारा खुद कहा गया कि 70,000 कुर्सी उतारी जा चुकी है। यह मंच है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 विधानसभा के प्रत्याशी यही, मतलब सिगरौली, सीधी और ब्यौहारी, मतलब कुल मिला के 8 विधानसभा के प्रत्याशी यही जो जिनके पक्ष में यह पीएम मोदी के द्वारा यह जनसभा, विशाल जनसभा का संबोधित की गई और वो के बाद उनके खेतिर विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद मांगे अवल्ला के। तो निश्चित तौर पर यह देख रहे हैं पूरा इंतजाम दुरुस्त हो चुका है और चारों तरफ जहां तक अपना की नज़र जाई वो हम कहा कि हमारा कैमरा हमारा सहयोगी वो देखा मैं तो चारों तरफ अपना देखा तो कुर्सी के अलावा अपना को कुछ नहीं देखे। व्यवस्था का दुरुस्त करे के पूरा इंतजाम किया है और वह व्यवस्था का जो उन एठे देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के घर चली मनीलो सिंह जी से पूछे ले थे कुछ, हालांकि अपना जो है लगातार दिख रही है व्यवस्था है का लागत है इधर की कुर्सी 70,000 जरूर मंगाए ली, अति उत्साह तो नहीं है कि कुर्सी भराए गए ऊपर भरे ना? नहीं नहीं बिल्कुल पूरा का पूरा यकीन है कि कुर्सी भरने के बाद भी लोग खड़े होंगे और देखेंगे मोदी जी के कार्यक्रम को। ये उत्साह है हमारा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस। चलिए सुरेंद्र मणि जी है उन्हों के बड़ा जो है लगातार उद्बोधन अपना जो है मीडिया में देख रहा था, बड़ा चहक चहक के बोला थे हम सुन ले कि सुरेंद्र मणि जी का लागल लगे कि व्यवस्था कितनी दुरुस्त। व्यवस्था क्या है, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल होता है उसके तहत व्यवस्था हो रही है, एसपीजी की मॉनिटरिंग में हो रही है, हम लोग तो सहयोगी हैं। का लागत कुर्सी भरा ले भर जाए बाहर चारों तरफ लोग खड़े रहेंगे, कम से कम 500,000 लोग आएंगे, 500,000 लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। चलिए तो अब जो प्रदेश मंत्री हैं राजेश पांडे जी उन्होंने थोड़ा बातचीत करने के प्रयास करी थे कि आखिरकार ये एक बड़ी बहुप्रतीक्षित सभा मानी जा लगी सीधी के 8 विधानसभा का दिन। सीधी सिगरौली संसदीय क्षेत्र में जितनी विधानसभा आवा थी वह सलगी विधानसभा के प्रत्याशी का ये मंच में बुलावा जाइए और उनके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतार देगा का, मतलब ब्रह्मास्त्र छाने का जरूरत पड़ी है यह चुनाव में, मतलब विधानसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र छोड़े दे लग लोकसभा में का करब के कले हो? नहीं तो पार्टी का प्रचार है और ये तो स्वाभाविक है, सब बड़े नेता आते हैं तो मुख्यमंत्री आएंगे और मोदी जी आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इनके लगे न स्थानीय नेता ही न प्रचारक ही न बड़ा चेहरा है, इनका हमेशा आयातित करे के पड़ा था बड़े चेहरन का। तो ये तो हमारा सौभाग्य कि मेरे पास मोदी हैं और उनके पास पप्पू है, तो क्या करें वो तो ले आए अपने पप्पू को। हाँ। जिसकी स्वीकार्यता भारत में है, 140 करोड़ लोग जिसको स्वीकार करते हैं मानते हैं, तो हम उसको ले आ रहे हैं तो बुरा क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस वाले ले आए ना जिनके पास अच्छा कोई हो व्यक्ति, ये भाई नहीं तो किसको लाएंगे वो? नहीं तो कांग्रेस लगातार जो है अभी ट्विटर के हम देख रहे हैं कि कांग्रेस खाली कुर्सी के फोटो डाला थी कि सीएम पहुंचे तो खाली कुर्सी रही, पीएम पहुंचे तो खाली कुर्सी रही, सिंधिया पहुंचे तो खाली कुर्सी रही। 70,000 1,00,000 लोगों के इंतजाम किए गए का उम्मीद है कि भर जाइए पूरा? देखिए ऐसा है, षड्यंत्र करना उनका पुराना काम है और अपने लोगों को भेज करके जब नेता नहीं आते तब फोटो खींच करके डाल देना और बाद में उसको भाषण को एडिट करके लगा देना, ये उनका पुराना काम है, कमलनाथ दिग्विजय सिंह लोगों का। इसलिए जनता समझती है उनको ही षड्यंत्र अब चलने वाला देखिए भारत के अंदर नहीं है, वो फ्लॉप हो चुके हैं इस देश के अंदर, अब कोई जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, इसको मानना पड़ेगा मीडिया को भी। चलिए ये बताइए कि लगातार कांग्रेस ये आरोप लगावा थी कि जब चुनाव आबद है कहूँ तब श्री राम याद आ जाते और श्री राम के नाम के प्रचार प्रसार शुरू हो लागत थे, तो एक कौन नजरिए से देखी थी कि कांग्रेस की आरोप का? देखिए राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का है और आज का नहीं, 1984 का है। 1984 से राम जानकी रथ निकाल करके आंदोलन चलाने वाले श्रद्धे अशोक सिंघल जी अब इस दुनिया में नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया और लगातार आंदोलन चलता रहा। आप सब जानते हैं उस स्थान की खुदाई भी हुई, वहाँ पर भी अवशेष मिले और कोर्ट का मामला ही है, कोर्ट ने निर्णय दिया है। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के राज्य में निर्णय हो गया और हमको ये अवसर मिल गया
कि हम वहाँ स्थान पर भूमि पूजन भी किए माननीय मोदी जी। और आप देखिए कि 22 तारीख को जो कांग्रेसी कहते रहे, हम तो शुरू से नारा लगाते रहे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, कांग्रेसी कहते रहे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ले लो, आ जाओ, राम को काल्पनिक करने कहने वाले, राम सेतु पर आलोचना करने वाले, उसका अस्तित्व नहीं है, अब ले लो। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ 22 जनवरी को, आ जाओ अयोध्या में, भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला की हो रही, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये मतलब चुनावी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा माना जाए विधानसभा? राम का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, राम मेरे आराध्य हैं, मेरे आस्था के केंद्र हैं, राम हमारे आस्था के केंद्र है, और वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका चुनाव से लेना देना नहीं है। नहीं, तुष्टिकरण के राजनीति के आरोप लगा। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमको ये अवसर मिल गया, तुमको नहीं मिला ये अवसर। चलिए, तो मतलब कुल मिलाए कि ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी के आय से सीधी का एक बड़ी मजबूती मिली, क्योंकि 2019 के भी अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे हैं कि 2019 में आए तो लोकसभा में हम एक बड़ी जीत हासिल करें, 3 लाख वोटन से हम जीतन, तो का मानी थे गुडला का ही अपना बचन के नरेंद्र मोदी की बेबे चुनाव जहाँ फंसत है वहीं ठपुलाए के अपना जीते के दावा करे लागे। देखिए, मैंने पहले भी कहा हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मेरे पास इतना बड़ा नेतृत्व है मोदी जी है, और हम उनको अपने वो आ रहे हैं, जितना उन्होंने काम किया देश के अंदर और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारे ब्रांड तो हैं वो, तो अगर वो आ रहे हैं तो उसमें आपत्ति किसी को क्यों होना चाहिए, और निश्चित रूप से आ रहे हैं तो इसका असर तो हमको मिलेगा। कितना प्रतिशत फायदा मानी थे कि यहाँ पर मतलब पड़ी सकत है 18 विधानसभा सीटन में मोदी जी के ये दौरा से? देखिए, 7 सीट तो मेरे पास पहले ही हैं, बची 1 सीट, हमको 1 सीट लेना है। 7 कौन कौन है? 7 तो हम पहले से जीते थे लोकसभा में, 7 विधानसभा की सीट हम पहले जीते हुए हैं, तो 1 तो आप आ गए थे, तो इसलिए हम तो 8 जीतेंगे। विश्वास है कि अति आत्मविश्वास? फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, ओवर नहीं है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जनता हमारे साथ है, जन कल्याणकारी योजना धरातल पर इतना उतर चुकी है, चौराहे पर खड़े होकर के पान की गोमती पर खड़े होकर राजनीति करने वाले समीक्षा कर रहे हैं, गांव पर नहीं जा रहे हैं। लाभार्थी जो हमारे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उसका हक दिलाने काम किया है, उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, उसके मन में मोदी है, उसके मन में शिवराज हैं, तो निश्चित रूप से इस आधार पर हम 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। कांग्रेस का अधिक सर्वे में हर जगह हारी रहन, सरकारें नहीं बन रही है, 130 135 150 तक कांग्रेस जा रही है, अपना अंडर 100 जो है हो रहे हैं, तो मतलब उनका यह सर्वे कले की बड़ा उत्साह है, तो वो मका का? देखिए कनिष्क जी, पिछली बार भी इस बिंद में 30 विधानसभा की सीट, 24 सीट हम जीते, पिछली बार भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी टिप्पणी करते थे कि रीवा में 2 मिल जाए 3 मिल जाए, सीधी में कहीं 2 मिल जाए 3 मिल जाए, परिणाम क्या निकला? कोई नहीं जानता था कि इतना वोट भारतीय जनता पार्टी के गाँव में है, बस्तियों में है। आज भी मैं पूछता हूँ कि सर्वे लोग करने आते हैं, किससे पूछते हैं? आपको मैं देखता हूँ, आपका भी मैं चैनल देखता हूँ, आपको जितना आप वीडियो बनाते हो, इतना आप पूरे बिंद में घूमते हो, और तो आप भी जब जाते हो तो आपके साथ कम से कम 10 लोगों में से 6 लोग ऐसे हैं जो आपसे बोलते नहीं, आप अनुभव करते हैं ना। आप महिलाओं के पास जाते हो कैमरा लेकर के, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना। आज भी देखिए, गाँव की जो महिलाएँ हैं, गाँव के लोग हैं, संकोची हैं, वो बोलना नहीं चाहते, वो आपसे बातें नहीं करते, वो क्योंकि संकोच है मन में ना, क्या बोलें आपसे, ये कैमरा लेकर देख कर आपको इसे डर जाते हैं कि आप बात बोल देंगे तो आप क्या दिखा देंगे फिर। तो क्या है कि आज भी जनता संकोच करती है बोलने में, इसलिए वो जो संकोच करने वाली जनता है वो लगभग सब भाजपा में है, आपको मतलब इसलिए सर वोट अपना, हाँ पूरा जो हमारे कैमरा बोल रहे हैं वो आप कांग्रेस के, मैंने क्या कहा, चौराहे पर सड़क पर खड़े होकर के राजनीति करने वाले लोग, समीक्षा करने वाले लोगों को लगता है कि ये इतने कह देने से सर्वे की रिपोर्ट आ गई, हम चुनाव जीत गए, हमारी भाजपा, हमारी सीटें बढ़ गई, लेकिन जो असली जो वोटर है गांव में रहता है, जो मैंने कहा लाभार्थी जो है, जो साइलेंट वोटर है, बोलता नहीं है,
हैं, वहां आप जाकर एक बार उनसे बिना माइक का बात करिए ना, क्या चाहते हो। मैं एक दिन स्वयं गाड़ी से उतर करके बिना भाजपा का पट्टा डालकर मैं एक दिन बैठा था, तो जैसे पूछा बोले आप भाजपा के कांग्रेस के, मैंने कहा मैं सामान्य आदमी हूँ, तो बोले तब बता सकता हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा। मैं पक्का मोदी भक्त हूँ, मैं शिवराज जी के लिए मैं वोट दूंगा। तो आप उनसे नीचे जाकर पता चलता है कि भाजपा का वोट कितना है, इसलिए अभी मालूम नहीं चलता। चुनाव के समय तो और भी कोई कम बात करता है कि भाई हम किसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का वोट बहुत है। भाजपा का वोट नीचे, जो आपने कहा ना साइलेंट वोटर लाभार्थी बहुत बड़ी संख्या में है, जो परिणाम हमारे पक्ष में देने वाला है। मतलब सर्वे जो चल रहा है वो झूठा है। नहीं, हम ये क्यों कह दें, सर्वे भी तो आपने लोगों से पूछा है ना, लेकिन आपने सर्वे तो किया है लेकिन कुछ लोगों से आपने पूछा है। इस सीधी विधानसभा में कितना मतदाता है, पूरे जिले लोकसभा में कितना मतदाता है, आप सब जगह तक पहुँचे नहीं, पिछले बार भी सर्वे आए थे। तो सर्वे के आधार पर हम अभी ये परिणाम नहीं बता सकते कि मतलब ये हमारा सर्वे कांग्रेस ने दिखा दिया तो हमारे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाजपा का वोट बैंक देखिए नीचे बहुत बड़ा तैयार हो चुका है, इसको मानना पड़ेगा आप सबको। चलिए, तब एक आखिरी सवाल यह कि यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका कहा है कि हमारे डर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितना यह बयान से उनके अपना आप देखिए, ये उनकी टिप्पणी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब उनके डर से मोदी जी आ रहे हैं, ये तो आश्चर्य लगता है मुझे उनके बयान से। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, इस चुनावी कैंपेन में मोदी जी सब जगह जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई सभाएं उनकी हैं, अभी सिवनी में थे, खंडवा में थे, सतना आ रहे हैं, तो ये तो उनका वो अपना व्यक्तिगत उनका बयान हो सकता है, उनको ऐसा लगता हो कि मेरे डर से है। वो जनता बता देगी ना किसके डर से क्या है, तो सीधी कि जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। चलिए, तो कुल मिला के हमारे साथ रहे प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर बड़ी बात कही गई है कि यह चुनाव जो है एक अहम चुनाव है, और यह अहम चुनाव में साइलेंट वोटर अपन अहम भूमिका निभाई, हालांकि वह साइलेंट वोटर के पक्ष में वोट करी वह तो आबे वाला वक्त बताई, लेकिन अपना तैयारी देख सकी थे कि लगातार भाजपा के द्वारा और भाजपा के जिम्मेदारन के द्वारा यह तैयारी के जायजा लीन जाला है, उसल की व्यवस्था का जाँच पड़ताल कई के जो है यह असल की व्यवस्था का दुरुस्तगी के बात कह रहे हैं, हालांकि यह जो व्यवस्था है कितनी जो है भीड़ आय पावती ये ताबे वाला समय बताई, लेकिन 70,000 कुर्सी लगाए कि ये जरूर दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 लोग या जनसभा के हिस्सेदार बनी ही। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।